सोसाइटी के लेटर हेड पे 15 लाख रुपए जो है वो लिया है एक टीचर से, वो बोगस है, वो बेबुनियाद है, वो मेरा चुराया हुआ लेटर हेड है। उसका जो है हम लोगों ने ऊना से जो है वो वेरिफिकेशन मंगा लिया है, ऊना का वेरिफिकेशन जो है जो आया है वो हमारे हक में है कि जो कंप्लेन की गई है उस पर जो दस्तखत है वो बोगस है और वो जो है वो बोगस डॉक्यूमेंट दाखिल किया गया है। मेरा ये बोलना है कि हम हमारे ताल्लुक से खास तौर से ये एक खबर जो है मीडिया में आई और बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप किया कि मैं गिरफ्तार हो गया हूँ। मैं गिरफ्तार नहीं हुआ, मैंने खुद पुलिस डिपार्टमेंट के पास जाकर अपने आप को सरेंडर किया और सरेंडर करने के बाद मैंने डिपार्टमेंट को पूरा ताउन दिया कि भाई जैसा भी आपको मेरे ताल्लुक से उसके अंदर आपको लगता है वैसा आप इन्वेस्टिगेट कीजिए और आपको कैसा लगता है वैसे आगे बढ़िए आप प्रोसेस कीजिए। मैंने उसके अंदर पूरा ताउन दिया डिपार्टमेंट का और उससे मैं पूरा मुतमईन हूँ। आज नहीं तो कल जब सच्चाई सामने आएगी, लोगों के सामने आया हो जाएगा, तो मेरा सिर्फ इतना ही बोलना है कि मैं इस मामले में बिल्कुल बेकसूर आदमी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे तमाम लोग को इत्मीनान रखना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है और आगे बहुत सारी बातें जो है जो जिसका ताल्लुक जो है लीगल डिपार्टमेंट चाहता है वो हमारे एडवोकेट जो अजीम वकील साहब जो है वो आपसे बात करेंगे। कोई भी आदमी ये लिख के कभी नहीं देगा कि मैंने इतना पैसा ये टीचर से लिया। वो लेटर हेड जो है मेरे पास है, आप उसको देख सकते हैं। वो लेटर हेड जो है मेरा चुराया हुआ लेटर हेड है, पहली बात। दूसरी बात, उसपे कहीं आउटवर्ड नंबर नहीं लिखा हुआ है। तीसरी बात, आप देख लेंगे नेकेड आई से देख के आप बोल देंगे कि दस्तखत बोगस है, डॉक्टर साहब की नहीं लगती। मैं 2 दफे एसपी साहब से मुलाकात करके रिक्वेस्ट किया था कि सर आप इसके अंदर इन्वेस्टिगेट कीजिए और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर आपको लगता है मैं आरोपी हूं और नहीं हूं तो वो हिसाब से आगे कीजिए। मैंने उनसे जरूर मिलकर 2 दफे रिक्वेस्ट की थी। अभी तक हमने निकाला नहीं है, ये बात भी मैं बताया था। अब्रार अहमद की बीवी उनके ससुर साहब आए थे कि भाई जब तुम कोई भी चीज कहते कि अमल का रद्द अमल होता है, जब तुम किसी के ऊपर शिकायत करोगे केस करोगे तो जाहिर है आज जो नौकरी है वो भी आपकी नहीं रहेगी। बहरगर आप तमाम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।